रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। कैफ और कई शहरों में शदीद बमबारी, 40 फौजियों समेत 50 अफराद हलाक। यूक्रेनी एयरपोर्ट और खौफ का पार प्लांट पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन में मार्शल और नाफिज, यूक्रेनी सदर का 5 जंगी तैयारी और हेलीकॉप्टर गिराने का दावा। रूस ने यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा कर डाला। कई 100 पाकिस्तानी यूक्रेन में फंस गए, पाकिस्तानी तलबा भी महसूर। आलमी रहनुमाओं की यूक्रेन पर हमले की मजम्मत, सूरत हाल पर वार के लिए अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। इमरान खान और एंटोनियो गुतेरेस का तनाज़े को हल करने पर जोर। अमरीकी सदर ने खबरदार किया है कि रूस को अपने किए का हिसाब देना होगा। बोरिस जॉनसन ने हमले को बर्बरियत पर मबनी इकदाम करार दे दिया। तुर्क सदर ने कहा कि हमले ने खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया है। चीन ने सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। रूसी हमले के असरात आलमी कारोबार और तजारत को झटका, तेल और सोना मजीद महंगा, स्टॉक मार्केट्स भी क्रैश कर गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 1302 पॉइंट्स की कमी। सोने की कीमत में 3400 रुपए का बड़ा इजाफा, डॉलर को भी पर लग गए। ओपन मार्केट में 1.20 रुपया बढ़ गया। पाक रूस तारीखी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर, वज़ीरे आज़म और रूसी सदर के दरमियान 3 घंटे तवील मुलाकात, वर्किंग लंच भी किया। ताल्लुकात का मस्बत रुख मुस्तकबिल में भी आगे बढ़ता रहेगा। इमरान खान की गुफ्तगू, इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझानात पर तश्वीश का इजहार, एलामिया जारी। वज़ीरे आज़म दूसरी जंग अजीम की यादगार पर गए, फूल चढ़ाए। आसिफ अली जरदारी सरगर्म, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से तहरीक अदम एतमाद पर तआवुन मांग लिया। कहा जमात इस्लामी मुल्क में बड़ी अपोजिशन पार्टी है, इस कौमी मंजरनामे में आपका अपना किरदार अदा करें, आपका एक वोट हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। सिराजुल हक ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया, मामला मजलिस शूरा और आमला में रखेंगे। अपोजिशन से मुलाकातों और तहरीक अदम एतमाद पर तआवुन का गलत तासुर दिया जा रहा है। काफी के रहनुमा मोने सिलाही की स्पीकर कौमी असम्बली के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा कि हम हुकूमत के साथ हैं। इमरान खान की कायदाना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। एमकेएम के रहनुमाओं से टेलीफोनिक रबते में जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। नून लीग ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज कर दिया। ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार देकर कलदम करार देने की दरख्वास्त, पीका ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने की अपील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतर मिनुल्ला ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि ये नैब कानून से भी बदतर है, ऐसे कवानीन से किसी की इज्जत नहीं बचती। नूर मुकदम को इंसाफ मिल गया। अदालत का मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत देने का हुक्म। शरीक मुलजिमान माली और चौकीदार को 10-10 साल कैद। जाहिर के वालदैन, थेरेपी वर्क्स के तमाम मुलाजमीन और खानसामा समेत 9 मुलजिमान बरी। शौकत मुकदम फैसले से मुतमईन, कहा मरकजी मुलजिम को मिसाली सजा सुनाई गई, केस मेरी बेटी का नहीं पूरी कौम की बेटियों का है। और PSL 7 का पहला एलिमिनेटर मैच, पेशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। 170 रन के जवाब में इस्लामाबाद की बैटिंग जारी। हर मैच पर लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद का खुसूसी तज्जिया, देखिए सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।